दो हफ्ते? अबे डोके वाला शॉट आएगा, इतने में तो इंटरफेस भी तैयार नहीं होगा। अबे नहीं कर पाए ना तो फंडिंग वंडिंग भूल जा फिर। ये थी तेरी प्लानिंग? अबे तेरे से गधे को हेल्प करने आ गया मैं। ओए ओए हेल्प की? अबे खुद के मतलब के लिए आया तू? क्या खुद का मतलब? तेरे ऐसा लटका हूं मैं यहां पे। देख अर्जुन, आई नो टाइम बहुत कम है, पर अगर ट्राई ही नहीं करेगा तो पक्का कोई चांस नहीं है। साक्षी दो हफ्ते में प्रोटोटाइप नहीं बन पाएगा यार। यार पर विनोद के पास भी तो दो ही हफ्ते है ना, और टीम भी और पैसे भी। गाइस मुझे ये टेक वेक का इतना पता नहीं, लेकिन जितना हो सकता है ना उतना पूरा हेल्प करूंगा मैं। मी पर हम है ना, और मैं तो हूं ही। So guys, welcome to U-Sense. So our brain-computer interface tracks down the electrical impulses of your neurons. ठीक है, मतलब basically it's just like a mobile EEG. भैया ऐसे समझाएं ना जैसे समझ में। बेटा आपने चुप ना। जोकर भाई आप बोलो। हाँ मतलब जैसे स्मार्ट वॉचेस के सेंसर्स कैलोरीज काउंट करते हैं, वैसे ही हमारे डिवाइस के सेंसर्स इमोशंस पढ़ सकते हैं। दिमाग भी पढ़ सकते हैं क्या? प्रोफेसर एक्स बन जाएंगे। काहे तू, साइंस है जादू नहीं। सुनने में सब अच्छा ही लगता है पर प्रैक्टिकल है क्या? वॉकिंग मॉडल कहाँ है इसका? सर पे दे रहे। हाँ तो यूजर के मूड को डिटेक्ट करके हर एक इमोशन के लिए परफेक्ट गाना बजेगा। मतलब कौन सा गाना प्ले करना है इसके बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत फाड़ू है। yes. फाड़ू क्या, फट जाएगी। डेटा सेट इतना ही, ऊपर से ऑफलाइन प्रोसेसिंग। अबे हलवा है क्या? तुम दोनों हो ना यार प्रो कोडर्स। ओ हीरो जाओ डेटा कलेक्ट कर, ये ले। तुम होना प्रो कोडर्स। ओए स्कूबी डू चलो। स्कूबी डू वी। हम यूसेंस से हैं, हम ही आपको हेडफोन्स लगा के आपके इमोशंस पढ़ना चाहते हैं। थोड़े देख के इमोशन समझ में नहीं आ रहा है क्या मालूम। हां हम करते हसल हर रोज बिना थमे, लेते नहीं ब्रेक अपन कभी नहीं थके। जीवन एक चलता हुआ कार्यक्रम है जिसमें किरदार दिन रात दिन बाद दुनिया से तंग है, हर दिन जंग है तो फिर रहते एकदम रेडी। माइक्रोफोन चेक, मैं लड़का टेक सेवी, पर इस जगत से मैं ऑलरेडी जैसे कपिल बाबा नाम दियो दास त्यागी। सीट को लोगो बोल जाके तेरे दोस्त को, बुलंद रखे हौसले चाहे जो हो। इट्स अ ब्रो कोड, ये ब्रो कोड, इट्स अ ब्रो कोड, ब्रो कोड, ब्रो कोड। सीट को लोगो बोल जाके तेरे दोस्त को, कभी तोड़े ना भरोसा चाहे जो हो। इट्स अ ब्रो कोड, ब्रो कोड, ब्रो कोड। यस साक्षी ये देख। हेलो कहाँ खो गई? दादा का मैसेज आया है। तो वीजा के लिए मुंबई जाना होगा, आज रात ही निकलना है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, देख तूने इतनी हेल्प की है, आगे हम संभाल लेंगे। मना नहीं जायता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं अर्जुन। काहे बोलते हैं? देख परसों इवेंट है, हमें फंडिंग मिल जाएगी एंड आवर प्लान विल बी बैक। और फंडिंग नहीं मिली तो? और तू टेंशन क्यों ले रही है? मुझे पता है मॉड्यूल्स बचे हैं पर हम कर लेंगे ना कुछ। अर्जुन फंडिंग नहीं मिली तो हम दोनों का क्या होगा? जाना है।
ये कहा क्या ब्रेकअप क्या हो गया तुझे क्या है दूसरों की चीजों में घुसना है बस तू ना बस टाइम पास कर इतना काम बचा है क्या कैसे हुआ कुछ मालूम नहीं फंडिंग चाहिए अपने को तू ना यार नेगेटिव रहे हमेशा तेरे को पता है मैं किसे मिल गया है माजा मित्र किट्टू आणि तू फुद्दू बेस्ट जोड़ी कपरे पहले वो मेरे टीम में था पर अब वो विनोद के लिए काम करता है मित्र मित्र ये क्या है AI मॉडल को ट्रेन करने का पैसा और टाइम है हमारे पास पर उसका इससे क्या लेना देना AI मॉड्यूल ट्रेन एंड रेडी किट्टू ने छुपा के दिया विनोद से पकड़ पागल है क्या कोड बेस में कुछ भी झोल निकला ना मैं नहीं कर रहा बहुत रिस्क है इसमें यार अर्जुन यार पॉसिबल तो है थियोरेटिकली हो पर रिस्क है भाई हम लोग ये सब कर रहे हैं उसमें भी रिस्की है ना यार देख तूने ही मुझे बोला था इतने कम टाइम में ये सब पॉसिबल नहीं करेक्ट और तेरे वो दो स्कूबी डू वो तो खुद के एडमिशन में तो मैं आए ना सीईओ मैं सांग तो एक और सिंपल यार लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है फिर भी तेरे को नए प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं अबे जा ना तुझसे वैसे भी घंटे हेल्प नहीं मिलती एटलीस्ट गीस फॉर गीस के प्रॉब्लम्स के लिए डाउट असिस्टेंट तो है अच्छा एक बात बता गाड़ो अगर इस टेक में इतना पोटेंशियल है तो फिर सिर्फ गाने ही क्यों बजाना है तुझे पता है 90s में जब इंटरनेट जनरल यूज में आया तब एक बंदे ने सोचा कि ऑनलाइन बुक्स बेचता लोगों ने कहा कि क्या अजीब है बुक स्टोर तो अवेलेबल है ना फिर ऑनलाइन बुक्स क्यों खरीदे हल्के हल्के लोग यूज टू हो गए एंड इवेंचुअली ऑनलाइन शॉपिंग से कंफर्टेबल हो गए और आज देख फोन से लेके कच्चे तक हम सब ऑनलाइन मंगवाते हैं हाँ यार क्या इंस्पायरिंग स्टोरी यार अबे पॉइंट क्या करे पॉइंट ये है बेटा कि ऑनलाइन शॉपिंग में पोटेंशियल तब से थी पर लोगों को ना एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है मेरे भी प्लान्स है यार बड़े बड़े स्टार्ट छोटे से करेंगे पर ये विनोद को तो जल्दी थी यूजर डेटा बेच के पैसा कमाना था यार तू सोच तू जैसा सोचेगा वैसा ऐड आएगा इन रियल टाइम अरे प्राइवेसी में इतना ही गायब हुई गाय सत्यवादी हरिश्चंद्र देख तू बोल रहा है वी कुड बी बिलियनर्स पर तुला मोरालिटीचा प्रॉब्लम आहे अब तेरा गूगल फेसबुक अमेज़न इतने बड़े कैसे हुए तेरे को मालूम है ना यार बहुत सारे लोग मिलके कुछ गलत काम करे उससे वो सही तो नहीं हो जाता ना यार यार एथिक्स नाम की भी कोई चीज है क्या एथिक्स तो अबे जिसने अपने फैमिली को ही फंसा दिया वो एथिक्स का ज्ञान पील रहा है अरे चिढ़ मत ना यार मजाक कर रहा हूँ क्या बंदा है यार वो स्क्रीन को घूर के कुछ नहीं होगा टाइम लगता है उसको तू एक काम कर तू है ना जाके सो जा प्रेजेंटेशन के वक्त कम से कम इंसान तो दिखेगा खुद को देखा है इंसान भी है क्या गाड़ो जब बस तो एथिक्स 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 चल गुड नाइट एथिक्स गुड नाइट
कितना आवाज कर रहा है यार सचिन, सोया नहीं क्या तू? रुक जा यार दो मिनट। काय झालं? मला नाही माहिती यार, जरा देख ना तू। देख ये क्रैश कैसे हुआ? मुझे नहीं पता यार, अभी कल तक तो खूब चल रहा था, अबे एआई, एआई ने सब घाम कर दिया, तेरे को बोला था ना मैं। अबे मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो क्या करूं, परसों कॉन्क्लेव में तेरे ये चूतिया एआई मॉड्यूल कैसे हो रहा है सब? कोई ऑप्शन था दूसरा? था क्या? रुक जा ना, दो मिनट रुक यार, कुछ तो जुगाड़ होगा, रुक जा। अबे तू छोड़ यार। अबे यार कसा है तू अर्जुन? भाई को बहुत चिंता हो रही है तेरी, हम दोनों को चिंता है तेरी। बहुत जल्दी की चिंता, समझू सकता? काहे समझू सकता, आपका मूर्ख सचिन, उसकी मूर्ख कंपनी, साला सबसे बड़ा मूर्ख मैं। नहीं, नहीं, तेरी गलती नहीं है। हाँ गलती ना आपकी है, गलती आई की है इसी फैमिली में। अरे ऐसा कैसे बोलते हो? बाबा होते ना तो ऐसा कभी नहीं होने देते। अरे मैं तेरा बाबा हूँ। बाबा बाबा बैठो 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 बैठो। तू अपने नाम के पीछे देसाई लगाता होगा, लेकिन तू मेरा भी तो बेटा है ना, मैं तेरे सपने मरने नहीं दूंगा, मैं लोन निकालूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तेरे छोड़ो ना। जो हो ही नहीं सकता उसके पीछे भाग के क्या फायदा? खाए बोल तो इस तू है, लाइफ खत्म क्या? मैंने भी अपनी पूरी लाइफ प्लान की थी, क्या हुआ? एक डिवोर्स पेपर आया और सारी प्लानिंग साल बाद तेरी आई मिली मुझे। सचिन 12 साल का था और तू 5 साल का, बहुत फट्टी थी मेरी, मैं डिवोर्सी, वो सिंगल मदर, कसा होना सगा। फिर एक दिन तेरी आई बोली कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो
वैसे भी कुछ भी नहीं होगा ना। देखो बेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके डर से हम ट्राई करना ही छोड़ दें। अरे बग टिक टिक थामली बगते छे, पता नहीं तेरे आई ने क्या दिया है मुझे, कहती है इससे मैं बीपी कंट्रोल कर पाऊंगा। खाई पड़ा आपके अच्छे के लिए है बाबा, बॉडी का डेटा एनालाइज करके स्ट्रेस बताता है। अपन टेक कर सका है भाई, स्ट्रेस ही थे ये हाथ पर, जादू है क्या? साइंस है बाबा, दिमाग का स्ट्रेस ना पूरे शरीर पे दिखता है। स्किन कंडक्टेंस डेटा थ्रू WMR आर्किटेक्चर प्रोसेस ऑन द डिवाइस इटसेल्फ। क्या बाबा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मुझे बस ये ना वॉच चाहिए। हाँ लो ना वॉच लो, लेकिन हुआ क्या बाद में? अबे गाड़ब भी हुई सचिन, उठ उठ उठ, अरे देख क्या मिला है, अरे उठना रे, काम कर सकता है खोला, चलना उठना। अरे क्या कितना पिया तू, ये तो मर रे। उठना यार सचिन, उठ ले। अगर ये काम नहीं किया ना, नहीं मैं समझ बोलिया, थोड़ा चुप चुप बोलना। अधूरा कर दे। अरे भाई कॉन्क्लेव पे फंडिंग मिलेगी क्या? अबे फंडिंग मिलने के लिए अपना प्रोडक्ट तो चलना चाहिए। ए यार तो भाई आप लोग को क्या लगता है क्या होगा क्या सीरीज फिनाले में? सिर्फ फिनाले आ कब रहा है ये अपना? 8 जून 8 जून 8 जून 8 जून 8 जून